value of 12 by square root of 5 plus square root of 3 plus 18 by square root of 5 minus square root of 3. तो इस एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करने का क्वेश्चन है. इसमें ये तीन चार ऑप्शंस हैं, तो इसका ऑब्जर्व भी करा जा सकता है. ये a प्लस बी ए माइनस बी हो गया, तो ये आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाले सिस्टम से हो जाएगा. तो अब या तो इसे रैशनलाइज कर लेंगे या इनका एलसीएम ले लेंगे. तो हम इसको ऐसे करते हैं कि ये लिख लिए इस तरह से, और इनमें से देखा 6 कॉमन आ जाता है, उसको निकाल लेने में फ़ायदा होगा. 6 इंटू 2 बाय स्क्वायर रूट ऑफ 5 प्लस, तो ये बन गया आपका ये फर्स्ट, ये सेकंड एक्सप्रेशन. अब इनका एलसीएम ले लूँ मैं, एलसीएम लेना मुझे आसान रहेगा, तो ये फिर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूंगा. 6, ये 6 का 6 आ गया, ये क्रॉस मल्टीप्लाई होने से ये वाला एक्सप्रेशन आ गया, क्रॉस मल्टीप्लाई से ये आ गया, और डिनोमिनेटर में एलसीएम आ गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. ये स्क्वायर रूट ऑफ 5 स्क्वायर माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 स्क्वायर. तो अब बाकी तो बात कैलकुलेशन की है. 5 माइनस 3 2, ये कट जाएगा, 3 आ जाएगा, ये प्लस माइनस होके 5 स्क्वायर रूट ऑफ 5 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3. तो इनमें से जो ऑप्शन है वो मैं देख पा रहा हूँ, ये ऑप्शन है. इस तरह से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, बस थोड़ा स्पीड ऑफ कैलकुलेशन की ज़रूरत इसमें रहेगी. चले आगे. एस टी एंड यू कैन कंप्लीट अ वर्क इन 40, 48 and 60 days. ये वर्क वाले चैप्टर में से है. दे रिसीव्ड ₹10,800 टू कंप्लीट अ वर्क. उन्होंने कोई काम किया होगा, उन तीनों को मिला जुला के ₹10,800 मिला. दे बिगिन द वर्क टुगेदर बट टी लेफ्ट 2 days बिफोर द कंप्लीशन ऑफ द वर्क. तो टी ने 2 दिन कम काम किया. यू लेफ्ट 5 days बिफोर द कंप्लीशन ऑफ द वर्क. यू ने 5 दिन कम काम किया. एस हैज़ कम्प्लीटेड द रिमेनिंग वर्क अलोन. तो बेसिकली एस ने सारा काम किया, हर रोज़ आया वो, और 2 दिन कम टी ने किया, 5 दिन कम यू ने किया. वट इज़ द शेयर ऑफ एस इन द टोटल अमाउंट. तो एस का शेयर है, थोड़ा टेढ़ा काम तो है, क्योंकि अगर तो ये सभी ने काम बराबर किया होता तो बात और थी, हम एफिशिएंसी के हिसाब से निकाल लेते. लेकिन अब बीच में यहाँ पे थोड़ी गड़बड़ है कि उसने कम किया, उसने कम किया. तो इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे उसको हम अभी चेक कर लेते हैं. ये 4 ऑप्शंस. तो ऐसे क्वेश्चंस में पहले हम एलसीएम ही लेते हैं, 40, 48 और 60 का एलसीएम ले लेंगे. पर्पज़ है एफिशिएंसी निकालना. इनका एलसीएम 240, एफिशिएंसीज बनी 240 बाय 40, 240 बाय, तो इस तरह से एफिशिएंसीज बन गई. तो एफिशिएंसी क्या बनी, 6, 5 और 4. तो एस का एफिशिएंसी 6, टी का एफिशिएंसी 5 और यू का एफिशिएंसी 4. अब यहाँ पे हमें टोटली वही है कि सोच विचार ही करना है. हैड ऑल ऑफ देम वर्कड, अगर सभी ने काम किया होता तो एस का शेयर क्या होता, प्रोपोर्शन टू द एफिशिएंसी. 6 बटा 6 प्लस 5 प्लस 4 गुना 10,800, 4320. अब एक बात तो साफ है कि एस ने काम ज़्यादा किया, तो इतने तो उसे कम से कम मिलने मिलने हैं. अब इनमें से कौन सी ऑप्शन छोड़ी जा सकती है, कई बार इतना काम करने से ही बात बन जाती है. तो 4220 ये छोड़ सकता हूँ, 4320 भी छोड़ सकता हूँ, क्योंकि इससे ज़्यादा ही उसे मिलना है. लेकिन ये दोनों ऐसी ऑप्शंस हैं जहाँ पे मुझे काम करना पड़ेगा, मुझे कैलकुलेशन बढ़ानी पड़ेगी. चलिए देखते हैं. एक्सेस वर्क डन बाय एस, कि एस ने एक्स्ट्रा काम कितना किया, वो क्या होगा, वो काम जो टी ने नहीं किया, वो काम जो यू ने नहीं किया, उन दोनों का टोटल. तो टी ने 2 दिन काम नहीं किया था, 2 बाय 48 उसने नहीं किया, 5 बाय 60 यू ने नहीं किया. तो टोटल काम जो उन्होंने मिला के नहीं करा, 1 बाय 8 नहीं करा, 1 बाय 8 ऑफ द वर्क हैज़ बिन डन बाय एस एक्स्ट्रा. तो इसको पैसे भी उसी हिसाब से ज़्यादा मिलने चाहिए. इसको कितना मिलेगा, 1 बाय 8 ऑफ दिस मच, तो 540 उसे एक्स्ट्रा मिलने चाहिए. तो इस तरह से 4320 प्लस 540 4860, ये रुपीस जो हैं ये एस का एक्चुअली अमाउंट बनता है, एंड देयरफॉर 4 इज द करेक्ट आंसर. चले आगे. ए फार्मर्स लैंड इज इन द शेप ऑफ ए ट्रेपीजियम.
ट्रेपीजियम वही होता है जिसमें दो साइड्स पैरेलल होंगी और दो पैरेलल नहीं होंगी. विच हैज इट्स पैरेलल साइड्स 2.56 एंड 3.44. इसकी लंबाई उसने दे रखी है. डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल साइड्स इज 1.44. तो इनमें जो डिस्टेंस है वो भी उसने दे रखा है. द कॉस्ट ऑफ प्लोइंग द लैंड इज रुपीज 1800 पर स्क्वेयर यार्ड. तो एक स्क्वेयर यार्ड का रेट 1800 रुपया है. वट अमाउंट विल ही हैव टू स्पेंड इन ऑर्डर टू प्लो द एंटायर लैंड. तो करना क्या है, इसका एरिया निकाल लीजिए, उसको 1800 से मल्टीप्लाई कर दीजिए. और एरिया का जो फॉर्मूला है वो बना बनाया फॉर्मूला हमारे पास है ही. ये चार ऑप्शंस थी. तो एरिया ऑफ द ट्रेपीजियम क्या होता है, एवरेज ऑफ द टू साइड्स पैरेलल साइड्स की एवरेज इनटू द डिस्टेंस बिटवीन देम. ये सब कुछ दिया हुआ था. तो ये निकाल के 3 × 1.44 की फिगर मेरे पास आ जाती है. मैंने यहाँ कैलकुलेशन नहीं करा, मैंने मल्टीप्लाई नहीं करा. मेरी कोशिश रहेगी कि मैं इनका मल्टीप्लीकेशन एंड तक पोस्टपोन करता रहूं. और कॉस्ट क्या बनेगी, वो इसको और 1800 को मल्टीप्लाई कर दूंगा. तो अब इस टाइम जो है अभी भी मैं मल्टीप्लाई नहीं करने के हक में. मैं देख सकता हूं कि ये 0.44 और 00 ये तो दोनों एडजस्ट हो जाएंगे. तो लास्ट जो बिल्कुल आखिरी डिजिट कौन सा होगा, वो होना चाहिए 3, 4 और 8 का प्रोडक्ट. यही कर सकते हैं. 3, 4 और 8 का प्रोडक्ट आता है 6. तो 6 आखिरी डिजिट होना चाहिए. अब यहां 2 है 2 है, ये वाला बन गया आपका. और यहां 4 था तो इसलिए वो नहीं हो पाया. अगर वहां 4 की जगह 6 होता तो हमें फिर कैलकुलेशन करनी पड़ सकती थी. चले आगे. तो ये आपका आंसर है. चौथा क्वेश्चन है, इफ आफ्टर गिविंग अ डिस्काउंट ऑफ 18% ए बुक इज सोल्ड फॉर रुपीज 1599. डिस्काउंट देने के बाद बुक की जो कॉस्ट है वो 1599 रुपए है. देन व्हाट विल बी द मार्क्ड प्राइस ऑफ द बुक. मार्क्ड प्राइस में से ही डिस्काउंट 18% दिया. तो अब ये चार ऑप्शंस थी. लेट द मार्क प्राइस बी 100. अगर 100 मार्क प्राइस है तो सेल प्राइस कितना होगा, 100 में से 18 निकाल दीजिए, 82 रुपए. तो हम यूनिटरी बना सकते हैं. अगर सेल प्राइस 82 है तो मार्क प्राइस 100 था. और अगर सेल प्राइस 1599 है तो मार्क प्राइस कितना होगा, 100/82 × 1599. अब भी डिवाइड नहीं करूंगा, डिवाइड नहीं करना. यहां क्या करना है, इस 82 को इससे 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 मल्टीप्लाई करके देखो कि ये फिगर कैसे आ सकती है. जल्दी हो जाएगा काम. तो मैं 82 से पहले इसको 18 करके देखा. 8, 2, 6, यहाँ तो 9 है, रिजेक्टेड. 8, 2, 6, 9 है, रिजेक्टेड. 5, 2, 10 हो सकता है, 1 ऊपर गया. और 9, 9 × 18, 19, 9 आएगा. तो ये पॉसिबल है. यहाँ 2 है, 2 और 2, 4 होगा. तो ये भी नहीं है. इसका मतलब यही करेक्ट आंसर है. बिना कैलकुलेशन किए हम उसका आंसर जो है 1950 इजीली निकाल सकते हैं. आंसर इन्हीं में से होना है. तो ये बिल्कुल डेड श्योर है हमारे पास कि यही आंसर है. ए मैन हैज 3 sons, 2 daughters and a wife. तो दे डिवाइडेड अ सम ऑफ रुपीज 19,000 अमंग themselves सच दैट ईच डॉटर गॉट 1.5 times the अमाउंट received बाय ईच सन. तो ये मानना पड़ेगा कि सन्स को सन्स का बराबर है, डॉटर्स का बराबर है, वाइफ का कुछ अमाउंट है. वाइफ रिसीव्ड 600 लेस देन ईच सन. व्हाट इज द टोटल अमाउंट रिसीव्ड बाय द 3 sons टुगेदर. तो तीनों बच्चों को, लड़कों को कितना अमाउंट टुगेदर मिला वो निकालना है. तो इसमें हम यही करेंगे कि एक सिंपल इक्वेशन बना लेंगे, इसका और तो कोई रास्ता है नहीं. तो उसके लिए आप क्या करोगे कि सन का मान लीजिए एक्स रुपीज सन को मिला, एक सन को मिला. तो हर डॉटर को तो 1.5 times मिला उसका, यही दिया हुआ है. तो हम ये कह सकते हैं कि एक डॉटर दूसरी डॉटर, ये मदर का हो गया 600 रुपये कम था एक सन से, ये तीनों सन का हो गया, ये टोटल 19,000 होना चाहिए. इसको मैं कैलकुलेट करूँगा तो प्लस माइनस करके ये 2800 रुपया आ जाता है.
तो एक सन को 2800 मिला, ये आंसर मत दे देना, तीन सन का चाहिए, तो इसको 2800 को 3 से मल्टीप्लाई करके 8400, यही राइट आंसर है। चले आगे। दी एवरेज ऑफ थ्री कॉन्जेक्यूटिव इवन नंबर्स इज ए, कॉन्जेक्यूटिव मतलब एक के बाद एक जो इवन नंबर्स आते हैं। इफ नेक्स्ट 5 इवन नंबर्स आर एडेड देन व्हाट इज द एवरेज ऑफ दीज 8 नंबर्स, इन 8ों की एवरेज क्या होगी। ये ए के टर्म्स में आंसर है, थोड़ा स्मार्ट सोचिएगा, ज्यादा कैलकुलेशन में कभी भी नहीं कहता करो। तो स्मार्टली क्या हो सकता है कि ऐसे नंबर ले लो ताकि ये जीरो हो जाए, कम से कम छोटे से छोटा तो हो। तो -2, 0, 2 तीन कंजेक्टिव इवन नंबर हो गए, इनका सम जीरो है, तो एवरेज भी जीरो हुई, ए जीरो हुआ। अब मैं क्या करता हूँ, नेक्स्ट 5 को जोड़ लेता हूँ। नेक्स्ट 5 नंबर कौन से हैं, 4, 6, 8, 10, 12, इनका टोटल 40। ये 5 और ये 3 का एवरेज क्या होगा, वो होगा 0, तो इनका सम था 40, इनका है, डिवाइडेड बाय टोटल 8 नंबर्स हैं, तो इन आठों का एवरेज 5 है। और 5 को मैं किस फॉर्म में लिख सकता हूँ, 0 + 5, ए 0 था, तो ए प्लस 5 इज दी करेक्ट आंसर। वाइल सेलिंग एन आर्टिकल फॉर ₹18,450, ए पर्सन सफर्ड ए लॉस ऑफ 50%। तो इतने का बेचा तो 50% का लॉस हुआ। एट वॉट प्राइस ही शुड हैव सोल्ड द आर्टिकल टू अर्न अ प्रॉफिट ऑफ 50%। तो प्रॉफिट के लिए कितना प्राइस चाहिए था, ये 3 ऑप्शंस हमारे पास हैं। सबसे पहले तो आपको देखना है कि लॉस ऑफ 50% का मतलब हुआ कि कॉस्ट प्राइस उसका इससे डबल हुआ होगा, तभी आधा लॉस हुआ होगा उसका, तो कॉस्ट प्राइस निकल आया। अब अगर कॉस्ट प्राइस है मेरे पास, तो प्रॉफिट ऑफ 50% फॉर ए सेल, उसके लिए सेल कितना होना चाहिए, 1.5 गुना कॉस्ट प्राइस का होना चाहिए, तभी 50% प्रॉफिट होगा उसको। तो कॉस्ट प्राइस मेरे पास ये है, मल्टीप्लाई यहां नहीं किया था मैंने, वो काम तो करने, क्या करते हैं, सब्स्टिट्यूट करते हैं इसको यहां पे, 1.5 × 2 × 18,450, ये जो चीज है ये मैंने यहां पे सब्स्टिट्यूट कर दी, तो ये बन गई। ये आसानी से मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो मैंने 3 ले लिया। अब मेरे क्या करना है, अब मैं लास्ट डिजिट को चेक कर लेता हूं, मल्टीप्लाई ना भी करूं, 300 तो 0, ये 2 पॉसिबिलिटीज हैं, 3, 5, 15, तो यही ऑप्शन बनता है 55350, यही करेक्ट आंसर है। इसमें कैलकुलेशन मत करिए, जितना अवॉइड हो सके उतना हम उसे रोकने की कोशिश करेंगे। दी प्रेजेंट पॉपुलेशन ऑफ ए टाउन इज 26010, इट इंक्रीजेज एनुअली एट द रेट ऑफ 2%। वट वॉज द पॉपुलेशन ऑफ टाउन 2 years ago? पॉपुलेशन की टाउन की पॉपुलेशन इस वक्त इतनी है और एनुअल रेट ऑफ ग्रोथ इतना है, 2 साल पहले कितनी थी। जहां भी पॉपुलेशन की बात आए वहां पे आपको कंपाउंड इंटरेस्ट वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करना है। तो ये ऑप्शंस थी, कंपाउंड इंटरेस्ट वाला फॉर्मूला होता है a = p × 1 + r/100 n, सही हो गया। तो इसमें अमाउंट फाइनल फिगर दी हुई है, पी मांगा है उसने, आर दिया हुआ है, नंबर ऑफ ईयर्स आपको दो उसने दे रखे हैं, तो ये इक्वेशन बन जाती है मेरी 26010 = p × 1 + 2/100। 2/100 को चलो मान लिया 1/50 हो गया, तो ये 50 और 51/50 करके आपका जो प्रिंसिपल है वो 26010 × 50 × 50/51 × 51 हो गया। ये ओरली याद ही है कि वो फिगर 2601 है, तो ये इजीली ये कट गया 10 पे, तो ये 25,000 आपका आंसर आ जाता है। चलें आगे। ए ट्रेन ऑफ लेंथ 100 मीटर क्रॉसेस अनदर ट्रेन ऑफ लेंथ 150 मीटर। एक ट्रेन है 100 मीटर और एक ट्रेन है 150 मीटर। दे आर रनिंग ऑन पैरेलल ट्रैक इन अपोजिट डायरेक्शन, तो ये ऐसे और ये ऐसे, ये दोनों एक दूसरे को क्रॉस करती हैं 9 सेकंड में। तो मतलब क्या निकला कि दोनों मिला के 100 + 150 मीटर, 250 मीटर का डिस्टेंस 9 सेकंड में कब खत्म कर देती हैं।
यही मतलब हुआ। तो अच्छा आगे बोल रहा है वो, देख ले चाहता क्या है वो। इफ द स्पीड ऑफ ट्रेन हैविंग लेंथ 150 मीटर इज 40 किलोमीटर पर आवर, अगर ये 40 kph पे चल रही है, देन व्हाट इज द स्पीड ऑफ द अदर ट्रेन, कि वो कितनी स्पीड पे चल रही है। तो वही बात है, द ट्रेन्स हैव टुगेदर कवर्ड 100 प्लस 150 मीटर्स इन 9 सेकंड्स। तो इनका जो स्पीड कितनी स्पीड पे कवर किया होगा, दोनों ऑपोजिट जा रही हैं तो स्पीड्स टोटल इनकी ऐड होंगी, इनकी जो भी कवरेज होगा वो टोटल स्पीड आएगी। टोटल स्पीड मीन्स रिलेटिव स्पीड, अलजेब्रिक सम ऑफ द स्पीड्स, प्लस प्लस करना बेसिकली। रिलेटिव स्पीड दैट इज सम ऑफ द स्पीड्स इज ये 250 बाय 9, 250 मीटर 9 सेकंड में ये किलोमीटर पर आवर बनाने हैं मुझे 100 kph, तो उसमें से 60 kph उसके 40 उसके दिए हुए थे, ये 40 दिए हुए थे, तो 60 kph दूसरी वाली के बचे, विच इज द करेक्ट आंसर। व्हाट इज द डिफरेंस ऑफ द क्यूब एंड स्क्वायर ऑफ द कॉमन रूट ऑफ दिस एंड दिस। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसके भी दो रूट होंगे, इसके भी दो रूट होंगे, कुछ ना कुछ एक रूट कॉमन होगा, वो कॉमन रूट का क्यूब और उसी के स्क्वायर का डिफरेंस हमें बताना है। मेरे को तो कुछ समझ नहीं आया, बेटर ये है कि इसको वो कर लो, आप फैक्टराइज कर लो, इसको फैक्टराइज कर लो, वही रास्ता है। तो इसको फैक्टराइज करता हूं मैं, तो x माइनस फाइव एक्स माइनस थ्री, ये ओरली हो गया मेरे से, 5 3 8 और 5 3 15। इसी तरह दूसरे को कर लिया फैक्टराइज, वो 5 माइनस 5 y प्लस 7, और इजीली 5 कॉमन रूट आ गया। तो 5 कॉमन रूट आने से क्या करना है मुझे, 5 के क्यूब में से 5 का स्क्वायर माइनस करना है। इसमें से 5 का स्क्वायर बाहर निकाल लिया, यहाँ 5 था, यहाँ 1 रहा होगा, तो ये 4 25 चौके 100, तो ये आपका 100 आंसर बिल्कुल ईजिली निकल आया। इफ एक्स माइनस 1/3 होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस 4 होल स्क्वायर इज 0, अगर ये और ये के स्क्वायर का सम 0 है तो ये कितना होगा। ये बहुत ही कॉमन किस्म का क्वेश्चन है, इसमें उसने चार ऑप्शन तो दी हुई हैं, देते हैं। तो एल एच एस कैन नेवर बी नेगेटिव, ये क्वांटिटी कभी नेगेटिव नहीं हो सकती, हमेशा पॉजिटिव होगी। और ये अगर दोनों का सम 0 होना है तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये भी 0 इंडिपेंडेंटली होगा और ये भी इंडिपेंडेंटली 0 होगा। याद रखिए कि अगर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का सम 0 है तो ये x को भी 0 होना है और y को भी 0 होना है, और कोई रास्ता ही नहीं है। ये फंडामेंटल आप याद रखें। तो अगर वो बात आ गई माइंड में, तो x विल बी 1/3, y विल बी 4, और अब इसमें सब्स्टिट्यूट कर लीजिए और सिंप्लीफाई कर लीजिए, एक मिनट में ये आपका आंसर आ जाएगा। तो 12th क्वेश्चन क्या बोलता है, व्हाट इज द डिफरेंस ऑफ द फैक्टर्स ऑफ द एक्सप्रेशन एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² - 6। ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, इसका फैक्टराइज करना है, फैक्टर निकाल के उनका डिफरेंस निकालना है। तो ये चार ऑप्शंस हैं इसमें, तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, इसी को हम स्मार्टली लिख लेंगे। तो कैसे लिखेंगे, एक्स स्क्वायर को उतार लिया, 1/x² को उसको बाहर उतार लिया, 6 को दो भाग में बांट दिया, 4 एक तरफ निकाल लिया, 2 इधर निकाल लिया। ये 2 निकालने का पर्पस ये है, आप देख रहे हैं कि 2 into this into this, ये तो कट कुट जाएंगे तो बात वहीं रह जाएगी। तो ऑब्जर्वेशन थी, तो मेरा पर्पस है कि ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, इस फॉर्म में किसी तरह मैं उसको लाने की कोशिश कर रहा हूँ, तो मैं कामयाब भी हुआ हूँ। और यहाँ माइनस 4 बचा आपका, ठीक है ना, 4 और 2 6। अब अगला स्टेप क्या होगा कि मैंने ये देख लिया कि ये a माइनस बी होल स्क्वायर है इतना, तो ये आ गया आपका, और माइनस साइन और ये 4 का 2 स्क्वायर बना लिया। अब मेरे को ये दिख गया कि ये फिर से a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर की फॉर्म में आ गया। अब मैं इसके फैक्टर बना सकता हूँ, एक्स माइनस 1/x - 2 और एक्स माइनस 1/x + 2। दो फैक्टर्स हैं, इनका डिफरेंस निकालना है, तो ये पार्ट और ये पार्ट कॉमन है, तो डिफरेंस क्या हुआ, 2 में से 2 निकालिए, माइनस साइन है, तो 4 इज द करेक्ट आंसर। ये ज्योमेट्री का क्वेश्चन लग रहा है,
If D and E are points on the sides AB and AC respectively of a triangle ABC, तो इसका एक छोटा सा फिगर बना लेते हैं. ये ABC एक ट्राइंगल है, इसके D और E आर पॉइंट्स ऑन द साइड्स AB एंड AC. सच दैट DE इज पैरेलल टू BC. इफ AD इज X, ये X है, DB इज X माइनस 3, A इज X प्लस 3 और EC इज X माइनस 2, तो X का वैल्यू क्या है? बिल्कुल बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम के ट्राइंगल की प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम क्या बताती है कि x को इससे डिवाइड करूं वो बराबर होना चाहिए इसको इससे डिवाइड करने से. फंडामेंटल थ्योरम ऑफ ज्योमेट्री. तो अब इसको मैं मल्टीप्लाई वगैरह कर लूंगा, कर ही लेते हैं. ये एक्स स्क्वेयर माइनस 2x इक्वल टू, उधर ये a माइनस b a प्लस b, तो एक्स स्क्वेयर माइनस 9 ये कट गया, तो सिंप्लीफाई करके x 4.5 आ जाता है. तो ये हमारा इसमें करेक्ट आंसर है. इफ मीडियंस ऑफ ए ट्राइंगल हैव लेंथ्स 18, 24 एंड 30. मीडियंस थोड़ा सा वैसे तो पता ही होना चाहिए, ये सेंटर पॉइंट है, ये ज्वाइन करूंगा तो मीडियन, इसी तरह वो मीडियन, इसी तरह तीसरी मीडियन. मीडियंस की लंबाई दे रखी है 18, 24 और 30. व्हाट इज द एरिया ऑफ द ट्राइंगल? साइड्स के टर्म्स में तो मुझे एरिया पता है, वो हीरोज फार्मूला है. ये मीडियन वाला फार्मूला भी बिल्कुल वैसा ही होता है, कम लोग जानते हैं लेकिन आप इसको याद रख लेना. तो इसका इलाज क्या होता है कि जो एरिया होता है 4/3 का फिगर याद रखें, स्क्वेयर रूट ऑफ एस इंटू, ये एस इज दी ए प्लस बी प्लस सी बाय 2, और ये ए क्या है, एक मीडियन, बी दूसरा मीडियन, सी तीसरा मीडियन. तो एस इज ए प्लस बी प्लस सी बाय 2, ये मीडियंस का सम बाय 2 36 हो गया. और उसके बाद मैं ये 4/3 को ना भूलूं, ये 4/3 लिख के स्क्वेयर रूट निकाल के ये फिटिंग कर दिया सारा. इसका फिर सिंप्लीफिकेशन करके वो 4/3 इंटू 216 जो भी करके 288 विल बी द आंसर इन दिस केस. ये क्वेश्चन टोटली फार्मूला बेस्ड था, तो फार्मूले याद रखने का नुकसान नहीं होता, फायदा ही होता है. स्टैंडर्ड फार्मूला याद रख लें एक बार, ये नंबर कई बार बन ही जाते हैं. टू स्मॉलर सर्कल्स टच अ लार्ज सर्कल इंटरनली. फिगर बना लेना फायदेमंद रहेगा. ये बड़ा सर्कल है लेकिन क्या कह रहे हैं, एंड पास थ्रू द सेंटर ओ ऑफ द लार्ज सर्कल. ये इसका सेंटर है, तो ये इसको इस तरह से टच करा और दूसरे ने इस तरह से टच किया. तो बेसिकली अगर ये इसका डायमीटर है बड़े वाले का, तो इसका ये रेडियस यहाँ आ जाएगा, इसका रेडियस यहाँ आ जाएगा, ये रेडियस सेम है. और निकालना क्या है, इफ़ द डायमीटर ऑफ द बिगर सर्कल इज 28, अगर ये पूरा 28 है तो मतलब ये हुआ कि ये वाला पार्ट 14 हो गया. व्हाट इज द एरिया ऑफ द बिगर सर्कल विच इज नॉट enclosed बाय द टू सर्कल्स? तो ये वाला पार्ट मुझे निकालना है, सीधी बात है, ये वाला, ठीक है ना. तो अब करूंगा क्या, मैं बाहर वाले का एरिया निकाल लेता हूँ, उसमें से इसका एरिया माइनस कर देता हूँ. तो कैसे करूंगा इसको, रेडियस ऑफ द लार्जर सर्कल आर इज 14, डायमीटर 28, तो रेडियस 14, और रेडियाई ऑफ द टू स्मॉलर विल बी 7. ये 7 का फिगर आप यहाँ देख लेना, ये 7 है. तो अगर इसको थोड़ा इधर कर दूं तो ये 7 है उसका. तो अब ये टोटल एरिया ऑफ टू स्मॉलर सर्कल क्या होगा, पाई इंटू आर स्क्वेयर, पाई इंटू आर स्क्वेयर. तो ये अभी लिख लेते हैं 2 इंटू आर स्क्वेयर पाई, कैलकुलेशन तो बाद में देखी जाएगी. एरिया ऑफ लार्जर सर्कल क्या होगा, पाई इंटू उसका स्क्वेयर ऑफ रेडियस. तो इसको लिख लेते हैं 2 इंटू 7 होल स्क्वेयर, तो ये 4 इंटू 7 स्क्वेयर इंटू पाई. पर्पज ये है कि ये वाला फिगर थोड़ा सा कॉमन रह रहा है, तो इसको ऐसे लिख लेते हैं. अब मुझे इनको माइनस करना है, तो माइनस करना बिल्कुल आसान होगा, ये पार्ट कॉमन, ये कॉमन, तो 4 में से 2 गए 2. तो रिक्वायर्ड एरिया इज 4 इंटू 7 स्क्वेयर इंटू पाई माइनस 2 इंटू 7 स्क्वेयर इंटू पाई. ये माइनस कर दिया तो यही एरिया आ गया. और इसमें से ये आप 49 इंटू 2 98 भी कर लो. और फर्दर उसने फिगर ऐसे कैलकुलेशन में दे रखी है, तो पाई 3.14 करके साइड पे थोड़ा सा कैलकुलेट करके 308 जो है वही इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा. ट्रिग्नोमेट्रिक लग रहा है. व्हाट इज द सिंप्लीफाइड वैल्यू ऑफ tan थीटा बाय 2 प्लस cot थीटा बाय 2?
और ये 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 या ये। एक ऑप्शन है कि वो अपनी ट्रिग्नोमेट्री लगा दीजिए, वो थोड़ा सा मतलब यहाँ पे लगाने की बात नहीं होनी चाहिए क्योंकि ऑब्जेक्टिव टाइप है तो यहाँ तो ऐसा कुछ है नहीं। सबसे बढ़िया है कि एक टेस्ट वैल्यू निकाल लीजिए, टेन कॉट थीटा बाय टू। तो पाई बाय फोर एक बड़ा सिंपल सा वैल्यू होता है, टेन पाई बाय फोर इज वन, पाई बाय फोर का मतलब 45 डिग्री होता है ना, तो टेन 45 और कॉट 45 दोनों वन हो जाएंगे। तो टेस्ट मैंने ले लिया थीटा इक्वल टू पाई बाय टू, वी हैव टेन पाई बाय टू बाय टू प्लस कॉट पाई बाय टू बाय टू इक्वल टू टू आ गया। ये पाई बाय फोर वन हो गया, ये भी वन हो गया। तो मुझे देखना है कि इनमें से कौन सा मुझे वन का वैल्यू टू का वैल्यू दे देगा। देखिए थीटा इक्वल टू पाई बाय टू, कोसेकेंड 90 इज वन, वन इंटू टू इज टू, ये पॉसिबल है। सेकेंड 90 जीरो इन्फिनाइट रादर, वो तो होता ही नहीं है, तो ये तो रूल आउट हो गया। ये वन है, ये टू होना चाहिए था, रूल आउट, ये भी वन, रूल आउट। तो टू को सेकेंड थीटा, ये आपका जो फाइनल आंसर आता है। वॉट इज द सिंप्लीफाइड वैल्यू ऑफ सेकेंड 3x माइनस टेन 3x, सेकेंड x माइनस टेन x, ये कुछ डिवाइड वगैरह करके। ये तो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा एक्सप्रेशन है, उसके ऑप्शंस दिए हुए हैं, तो इसमें भी हम वही करेंगे कि हम एक टेस्ट वैल्यू उठा लेंगे। टेस्ट वैल्यू x इक्वल टू जीरो उठा लेता हूँ। जीरो उठाने से क्या होगा कि सेकेंड जीरो वन है, टेन जीरो जीरो है, तो डिनोमिनेटर का मुझे टेंशन है ज़्यादा, लेकिन यहाँ वन माइनस जीरो तो डिनोमिनेटर वन हो जाएगा, सही होगी ना बात। तो ये पार्ट वन हो गया, ये सेकेंड थ्री एक्स माइनस टेन थ्री एक्स, अब इसका आपको पता ही है कि ये भी वन हो जाएगा, ये जीरो है, तो ये वाला फर्स्ट पार्ट तो वन हो गया और ये जीरो हो जाएगा, टेन जीरो जीरो, और ये वन है, ये जीरो है, तो ये सारा ही जीरो हो जाएगा। तो अल्टीमेटली जो आपका वन पे ही बात रुकेगी जाके, ये अगर आप पुट वगैरह कर लोगे तो ऑप्शन फोर दैट इज वन इज द करेक्ट आंसर। तो इस तरह से हम मतलब ये वाला जो सारा सीन है इसको कर सकते हैं। तो इसको मैं अभी क्लोज करता हूँ, थैंक यू।